सोलंकी अभी काम से यार मेरे लिए तोहफा लेके आया। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू केडीवी व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मेरे परिवार ने कैसे जन्माष्टमी मनाई है। आशा करता हूँ आप लोग को वो देख के मजा आया होगा। व्यूज तो काफी अच्छे गए हैं यूजुअल से, तो मजा ही आया होगा। तो हम काम से बैंक आए थे, तो पहले वो काम खत्म करते हैं फिर आपको मिलते हैं। बैंक में काम खत्म करके यहाँ पे मेडिकल स्टोर आया था, क्योंकि कभी कभार खेलते हैं तो वो पेन हो जाता है ना, तो ये आइस पैक भी है और वार्म भी कर सकते हैं ताकि इसको बॉडी पे हाथ पे कहीं भी पेन पेन थोड़ा कम कर सके। इसके लिए सेफर साइड ये ले लिया। पहले हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे इंडिया में, तब ऐसा होता था जैसे पूरा पूरा दिन खेला ना तो हाथ दर्द करने लगता है जब बॉलिंग डाल के बैटिंग, तो कभी कभार पेन किलर्स ले लेते थे। उसमें क्या है कि वो हमारी बॉडी को हार्म करता है, क्योंकि दवाइयां मैं कम प्रीफर करता हूँ डालने के लिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही मैं दवाई लेता हूँ, वरना मैं दवाई कभी नहीं लेता। ऐसा लगता है कि भाई अब काम नहीं होगा या फिर अपने बॉडी पे ज्यादा असर हो रहा है तो ही दवाई लेता हूँ, वरना मैं नहीं लेता बिल्कुल भी। बस उसी वजह से ये चीज अच्छी है, उस टाइम पे ये मिल जाती तो जो हमने 5-6 बार दवाइयां लिए वो ना लेनी पड़ती। न्यूज ये भी है कि भाई अब केस कम हो रहे हैं, पहले 80-80 केस आ रहे थे, अब 40-40 आ रहे हैं, जो कि सही बात है। जितना जल्दी हो जाए लेवल 3-2-1 हो जाए ताकि घूमने कहीं जा सके। अब व्लॉगिंग कंटिन्यू किया है, ऐसा करना है कि भाई जब लॉकडाउन खुले तब धमाके घूमे घूम ही ले जब ओपन होता है तब। अब तो गाड़ियां भी ज्यादा दिख रही है, पहले तो उतनी दिखती भी नहीं थी लॉकडाउन में। जरूर होगा पर ऐसे ही होगा, फिर एक केस आते ही आपकी वाट लग जाएगी, एक केस आते ही पूरा देश बंद। उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा ओपन रखो, लोग यूज टू हो जाए। इस मामले में तो मुझे थोड़ा इंडिया का सही लगा कि उन लोगों ने थोड़ा ओपन रखा ताकि लोग यूज टू हो गए उस चीज से। अभी धीरे धीरे वो चीज कम हो गई है। हाँ, लोगों को ध्यान रखना है, जो चीजें करनी है वो करनी है, सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, वो सब चीजें करनी है, वो अनिवार्य है। उसके बाद थोड़ा बहुत लूज रखना चाहिए, ये जो टोटल ब्लॉक करके रखा है उससे भी कुछ ज्यादा फायदा। लर्निंग लेसन लेना चाहिए और सारे बॉर्डर्स थोड़े टाइम के लिए खोलने चाहिए ताकि लोग आ जा सके, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे अटके थे वो आ सके, ठीक है। जिनके वीजाज अभी भी है, जो सिटीजन है यहाँ के, वो भी इंडिया में या अलग अलग देशों में अटके हुए हैं जो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज से आते थे, उससे अच्छा है खोल दो। तो वैसे लॉकडाउन से काफी ज्यादा ज्यादा गाड़ियां दिख रही है, हालांकि लोग ज्यादा काम कर नहीं सकते, पर पता नहीं क्यों, वरना इतनी गाड़ी दिखती नहीं थी। ये पूरे रोड पे पूरा खाली रहता, अभी पता नहीं सिग्नल रेड है पर लोग निकल रहे हैं, पता नहीं आधे घंटे से सिग्नल खुल ही नहीं रहा है। उससे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, खुल ही नहीं रहा है और आगे वाला हिल भी नहीं रहा है। अभी हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं, पता नहीं चल रहा है वो आगे वाला, देखो रेड में निकल रहे हैं सारे, कि पता नहीं आधा घंटा ऊपर हो गया सिग्नल खुल ही नहीं रहे बिल्कुल भी, पता नहीं क्या सीन है। और ये आ गए हम घर, क्योंकि ज्यादा घूम नहीं सकते ना, अपने जो जरूरी काम है वो खत्म करके आने हैं। और ये देखो कितनी छोटी गैप है, इतने में से गाड़ी निकालनी है हर रोज। अब तो प्रैक्टिस हो गई है, तेजी से निकल सकती है। तो आज पानी पूरी दही पूरी का प्रोग्राम है, सोलंकी आएगा तब खाएगा, अभी हम दोनों को भूख लगी है तब बैठ जाए। सोलंकी भी आया मेरे लिए तोहफा लेके आया, ये ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट का $200 भरने के आए मुझे। लॉकडाउन चल रहा है वैसे ही, पैसों की मारा मारी है और ये ऊपर थे $200 का फाइन, और ड्यू डेट भी 5 दिन की है। किधर से लाएगा मैं पैसा, ऊपर वाले बस यही दिन दिखाना बाकी था। अपना काम बस थोड़े ही दिन अच्छा चलता है, फिर भगवान गुगली फेंकता है कि ये ले मैंने डाली है, अब मार इस पे छक्का मार के दिखा या बोल्ड हो जा। और ज्यादातर बोल्ड ही होते है ऐसे, जिंदगी खराब हो गया। तुमसे तो मैं बाद में बात करता, इन लोगों से करने के बाद। क्या प्रॉब्लम, क्या है, सहन नहीं होती मेरी खुशी दो पल के लिए भी? कुछ ना कुछ बेचते रहते हो गुगली के तौर पे। अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना, टेंशन ना लेना, ठंडा भी पटापट हो जाता। A few minutes later. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर हमारा कोई ना कोई मेंटर या टीचर होना ही चाहिए। सबसे पहले मैंने अपना जो पहला मेंटर चुना वो था जय शेट्टी। मैंने अपना सबसे पहला सर्टिफिकेशन कोर्स लिया था जय शेट्टी का, लिव माई पैशन।
उस कोर्स से मुझे पता चला कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि वो पाथवे था पूरा समझने का कि अगर हम कभी स्टक होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में, तो वो मेरा सबसे पहला कोर्स था। फिर उसके बाद जय शेट्टी को कंटिन्यू रखते हुए मैंने दूसरा कोर्स जो किया, समझ आ गया कि मुझे अब ब्लॉगिंग करनी है। तो उसके बाद जो मेरा दूसरा मेंटर था वो यूएसए का फिल्म मेकर था पॉल जेवियर, उससे मैंने वीडियो शूटिंग और वीडियो एडिटिंग सीखा। और जब मेरा ब्लॉगिंग पे और वीडियो एडिटिंग पे ग्रिप आने लगा, तब धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब आगे क्या, अब कौन सा मेंटर। फिर मैंने एक और मेंटर चूज़ किया जो कि यूएसए का ही है, वो डिजिटल मार्केटर है। मैंने उससे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया। पहले मैंने वीडियो शूटिंग और एडिटिंग सीख लिया ताकि मैं अपने वीडियोस डाल सकूं, पर उसको प्रमोट करने के लिए मुझे मार्केटिंग सीखना पड़ता, तो तीसरा कोर्स मैंने वो लिया। उसके बाद से तो मेरे मेंटर्स की लाइन लग गई है, बहुत सारे बन गए हैं। कम्युनिकेशन के लिए कि मैं जाकिर खान को भी देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ कि वो कैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्योंकि उसकी हर बात एक पोएट्री की तरह लगती है। तब से मैंने एक चीज़ सोच ली कि अपने ज़िंदगी के हर मोड़ पर कुछ भी नया सीखना हो तो तुम्हारा एक मेंटर चाहिए जो उस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी वो पाथ चल चुका है, जो वो चीज़ें सक्सेसफुली ख़त्म कर चुका है, उसके पाथ पर चलना, उसको साथ में रख के चलना और अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालना। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आप 16 टू 20 हो, 20 टू 30 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 30 टू 40 हो, अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य था या फिर बिंदुसार था या फिर अशोका था, उनके पास चाणक्य था। आपका एक चाणक्य आपके साथ चाहिए, अगर आपके साथ है या नहीं है, अब तो वर्चुअली आ सकता है, तो वर्चुअली रखो।